हमारी सिर्फ सरकार से जो है नाराज़गी कह लो या इसे कह लीजिए कि आपस में जब हम भी भारत के नागरिक हैं कि हमारे से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछे बगैर ये निर्णय ले लिया गया उनसे किसी से कोई इसके ऊपर वार्ता नहीं हुई किसी से यह नहीं पूछा गया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा या इसमें क्या होना चाहिए व हमारा मेन ये अगर पहले इसमें वार्ता हो जाती या मीटिंगें हो जाती जैसे जो, जो हमारी शीर्ष संस्था है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस उसके सदस्यों से जो कि इसमें पूरी तरह परिपक्व हैं पूरी तरह जानते हैं कि कानून क्या है कैसा है अगर उनसे पहले भेंट हो जाती उनसे वार्ता हो जाती या वार्ताओं के दौर हो जाते तो ये जो अभी जो स्थिति पैदा हो रही है वो नहीं होती अभी एक भ्रमक स्थिति पैदा हो रही है लोगों को पूरी तरह से पता भी नहीं है सिर्फ एक अमित शाह जी ने को उसमें अपना लोकसभा में बोला अभी पूरी तरह से जो मंत्री संतरी है उनको भी इसके बारे में पूरा संज्ञान नहीं है कि ये क्या है कानून क्या नहीं है तो चालकों को कहाँ से होगा और इसके अंदर जो आप विरोध प्रदर्शन या उसकी बात कर रहे हैं अभी तक देखिए कोई विरोध प्रदर्शन हमारी तरफ से संस्थाओं की ओर से कोई भी नहीं है और ना संस्थाओं ने इसके लिए किसी तरह का अभी कोई लागू करा है कि भाई विरोध प्रदर्शन या हम करेंगे या नहीं करेंगे या हमारी क्या रणनीति रहेगी इसके ऊपर आज हमारी डेढ़ बजे एक वर्चुअल मीटिंग है पूरे भारतवर्ष के ट्रांसपोर्टरों के साथ और उसके बाद साढ़े तीन बजे एक प्रेस वार्ता है उसके अंदर ये बात सामने आएगी कि हम लोग क्या करें हमारे सामने एक मुद्दा यह भी है बड़ा मेहनत अहम मुद्दा क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं और भारत हमारा प्रिय देश है तो मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग किसी भी तरह से हमें भी मालूम है इस समय की नाजुकता के हमें भी नाजुकता इस समय की मालूम है कि हमारे देश में बहुत बड़े दो पर्व होने जा रहे हैं पहला राम मंदिर जीर्णोद्धि और दूसरा 26 जनवरी जिसके ऊपर की पूरे विश्व भर की नज़रें रहेंगी तो हम नहीं चाहते कि इस टाइम के ऊपर ऐसा कोई ये कानून अभी एक अप्रैल से लागू होना है हम आज अपनी वर्चुअल मीटिंग में भी इस बात को रखेंगे कि अभी हमारे पास बातचीत का क्योंकि देखिए इसका हल तो बातचीत से ही निकलना है अल्टीमेटली विरोध प्रदर्शन करके या कुछ भी करके हम सरकार को थोड़ा लेकिन अगर सरकार हमारी पहले ही बात सुनने को तैयार हो जाती है और मामले की नाजुकता को देख करके देखिए वो आदमी हमेशा बड़ा होता है जो अपनी गलती मान ले जो एहसास कर ले कि हाँ मेरे से गलत तो सरकार ने अगर ये बिना हमसे स्टेक होल्डर से बात करे हुए तो ये करा है तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ बैठ के वार्ता करेगी और इसके अंदर वार्ता करके इसका हल निकाला जाएगा और इसकी जो बारीकियां हैं कानून की वो बताई जाएंगी और अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं या उसमें कुछ ऐसा है जिससे कि डायरेक्ट किसी को नुकसान होता है उनको दूर करा जाएगा बाकी इसके अंदर जो मेन वो है हिट एंड रन हिट एंड रन के अंदर यह है कि ड्राइवर वहाँ पर चालक कोई भी गाड़ी का हो चाहे कार वाला हो चाहे ट्रक वाला हो चाहे बस वाला हो उसके अंदर गलती हमेशा बड़ी वाले की निकाली जाएगी और कई जगहों पर यह देखा गया है कि भीड़ जो होती है वहाँ की भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती वह लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं और उस नुकसान के अंदर पता चला जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसको तो कोई चोट आई नहीं लेकिन हवा इतना बड़ा बन जाता है कि ड्राइवर की मार पिटाई होने के बाद ड्राइवर के हाथ पैर टूट गए या ड्राइवर को अपनी जान देनी पड़ गई कई मामलों में ऐसा भी देखा गया तो हमारा इसमें एक अपील ये भी है सरकार से और हमारे शीर्ष नेतृत्व तो ये बात को रखेगा कि आदमी वहां ना रुक के अगर उसको कोई हेल्पलाइन नंबर एक जारी कर दिया जाए नेशन वाइड हेल्पलाइन नंबर वो अपने सुरक्षित स्थान पे पहुंचा और उसने बता दिया कि जी ऐसे ऐसे वहाँ पे मेरे साथ हादसा हुआ है अगर किसी को कोई जब गंभीर चोट है या फैटल है या कुछ भी है मेरा नंबर ही है मेरा गाड़ी नंबर ही है उससे एक तो आपके केस सॉल्व हो गए कोई आपका केस पेंडिंग नहीं रहा पुलिस को कोई ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कोई कई जगह पे सीसीटीवी सी है कई जगह नहीं है कई जगह पे कोई गवाह है कई जगह नहीं है लेकिन एक माहौल ऐसा बन जाएगा सरकार चाहे और हमारी सरकार इस मामले में माहौल बनाने में तो पूरी तरह से समर्थ है अगर एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि ड्राइवर से किसी से लगा जो विदेशी तर्ज के ऊपर पश्चिम देशों की तर्ज के ऊपर हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं कि अगर कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ तो ड्राइवर ने अगर सूचना दे दी तो मामला अपने आप हाँ ही सॉल्व हो गया अगर उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में अगर उसको आदमी को ज़्यादा चोट आई है या कम चोट आई है या कुछ है जो भी कानूनी प्रक्रिया है जो पहले भी थी उसके हिसाब से हो तो सरकार को भी इसमें थोड़ा लचीलापन दिखाना पड़ेगा हम तो इसमें लचीले हैं ही और हमें तो मालूम है और हम सोच रहे हैं कि बिना बातचीत के इसका हल नहीं निकलेगा और प्रदर्शन वगैरह करने से हम इसका अभी एज ए संस्था हम इसका समर्थन नहीं करते बाकी जो हमारी शीर्ष संस्था जैसे कहेगी उसके ऊपर जो वो आदेश पारित करेगी और जो बातचीत का मुझे लगता है जहाँ तक मेरी बातचीत है और मैं अपना सोच विचार रखता हूँ क्योंकि मैं भी संस्था का अध्यक्ष हूँ लेकिन हम दिल्ली की संस्था के अध्यक्ष हैं तो उसके अंदर कि हमें पहले बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए बाद में किसी और तरफ चलना चाहिए तो हिट एंड रन की जो और भी है या फिर सिर्फ मैंने आपसे अभी अनुरोध करा कि हमें अभी तक मुझे क्या किसी न मंत्री संतरियों को अभी तक पूरा कानून के बारे में जानकारी नहीं है इसमें और क्या क्या क्लॉजिज है वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा अभी जो संज्ञान में आ रही है अभी जो सबके सामने आ रही है वो हिट एंड रन का ही आ रहा है तो हिट एंड रन के अंदर सीधा सीधा हमारे को दिक्कत क्या आ रही है ट्रांसपोर्टरों को इसके अंदर मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा कि ड्राइवर इसके अंदर मालिक को गाड़ी की चाबी दे करके वो कह रहा है कि जी हमें तो गाड़ी नहीं चलानी जितनी हमारी तनख्वाह है बीस पच्चीस हजार रुपये पंद्रह हजार दस हज़ार बीस हजार तीस हजार इतना तो हम कहीं मजदूरी करके कमा लेंगे तो दिक्कत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की दिक्कत यहां पर खड़ी हो रही है जो कि ट्रांसपोर्टरों के साथ तो अपने धंधे की दिक्कत है ही लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की भी दिक्कत आ जाएगी मतलब मोदी सरकार को और अमित शाह जी को हमारे सभी नेताओं को यह भी संज्ञान में रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कोरोना काल में जब हर आदमी अपने घर पर बैठा हुआ था लॉकडाउन में उस समय सिर्फ एक गाड़ियों ट्रकों का चालक ही वो था जो रोड के ऊपर था अपनी बीमारी की खाने पीने की अपनी सुरक्षा की चिंता किए बगैर वो रोड पे था और उसने पूरे भारतवर्ष में आपका वैक्सीन भी दवाइयाँ भी खाने की सामग्री हर तरह की चीज़ वहाँ पर समय पे पहुंचाई जिसकी वजह से मोदी जी इतनी बड़ी लड़ाई कोरोना की जीत सके